नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। एक लंबा समय बीत गया है कि उदयपुर नगर निगम का पीला पंजा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का काम बिना रुके कर रहा है, जो होना भी चाहिए। और उसी के तहत आज भी नगर निगम के जिम्मेदारों ने उजाला होने से पहले ही हाथीपोल स्थित मस्जिद की दीवार से सटाकर अवैध अतिक्रमण करते हुए कुछ थैले तो कुछ केबिन लगाते हुए छांव के लिए पतेड़े लगा दिए थे, जिसे आज मौके से हटाया गया। हालांकि कुछ दिनों पूर्व ही इसी जगह पर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण कर लिया गया था। मौके पर कार्रवाई करते हुए केबिन को जब्त किया गया और जेसीबी से पतड़ों को हटाया गया। इसके बाद मठ क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देते हुए दुकानों के आगे बने पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान लोगों ने होती कार्रवाई का विरोध भी किया, और लेकिन चलते विरोध के बावजूद भी निगम ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा और मौके पर रोड को आमजन के लिए चौड़ा किया गया। हालांकि निगम के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बाद हटाया गया अतिक्रमण कुछ समय बाद ही पुनः अतिक्रमण की जद में आ जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो शहर में अब ऐसा कोई कहीं पर भी हिस्सा नहीं बचा है जहां निगम के द्वारा पीला पंजा नहीं चलाया गया, लेकिन इसके दूसरी ओर देखा जाए आज सारे वह क्षेत्र फिर से अधिक अतिक्रमण की जद में आ गए हैं, जहाँ एक ओर निगम अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए अपने पद से मिले प्रभार के अनुरूप कार्य कर रहा है, वहीं शहर का आमजन आम सड़कों पर अपने नियत व्यवसायिक क्षेत्र से बाहर निकल सड़कों पर दुकानों का सामान फैला अतिक्रमण कर शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग लगा रहा है। जहां चेटक पर निगम के केबिन में अंडों का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मार्ग को किया गया था, जहां कार्रवाई करने के लिए लाखों रुपए की मशीनरी का उपयोग किया गया और प्रतिदिन का लाखों रुपए वाली तनख्वाह प्राप्त करने वाले कार्मिकों को मौके पर मौजूद किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बार फिर पूर्व के हालातों से भी गंभीर हालात आज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जिस कार्रवाई को करने के नाम पर निगम दम भर रहा है, उसके दूसरी ओर अगर चंद दिनों में ही हालात अगर जस के तस हो जाते हैं तो फिर की गई कार्रवाई का क्या फायदा।